सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे अपने बाइसेप की बेस्ट एक्सरसाइज के बारे में बिगनर्स के लिए। अब सारी बात करेंगे कितना रेस्ट लेना चाहिए, सेट्स के बीच में कितने सेट करने चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए अगर तुम बिगनर्स हो तो। कोई मिस्टेक हो जाती है, कई बार ओवर ट्रेन कर देते हो, कई पोस्चर गलत होता है तो वो कर लेते हैं, तो वो वैसा नहीं करना है। तो मैं बताऊँगा तुम्हें बिगनर्स हो तो तुम्हें क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए और कैसे कैसे करनी चाहिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस, वर्कआउट शुरू करने से पहले ना तुम अपने वार्म अप अच्छे से कर लेना ताकि इंजरी के चांसेस कम से कम हो। तुम वार्म अप में रोटेट टस्क अप्स कर सकते हो अपने, और शोल्डर्स की वो रोटेशन वाली एक्सरसाइज, जंपिंग जैक्स वगैरह कर सकते हो जिससे तुम्हारे इंजरी के चांसेस कम हो। और बाकी तुम पता ही होगा वार्म अप में क्या करना चाहिए, बस स्ट्रेच नहीं करना है, वो होल्ड वाली स्ट्रेचिंग नहीं करनी है तुम्हें, डायनेमिक स्ट्रेचिंग करनी है वर्कआउट से पहले, और ज़रूरी है वो सारी एक्सरसाइजें। तो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी जैसे डंबल कर्ल्स होते हैं ना, बट हम डंबल कर्ल्स नहीं करेंगे, हम केबल कर्ल्स करेंगे, क्योंकि डंबल से ना तुम्हारा, अगर तुम बिगिनर्स हो तो तुम्हारा पोस्चर खराब हो सकता है। तो वीडियो में तुम देख सकते हो साथ साथ में तुम्हारा पोस्चर खराब हो सकता है। तो हम केबल पे कर्ल्स करेंगे जिससे हमारी आर्म्स अच्छे से लॉक रहेगी इस जगह पे। तुम वीडियो में देख सकते हो चेस्ट अप करेंगे, शोल्डर रिट्रैक्ट, और एल्बो हम ज़्यादा मूव नहीं करेंगे अपनी, वो केबल पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म होगा अगर तुम बिगिनर हो तो। तुम देख सकते हो ऐसे करना है। प्री वेट से तुम पूरी बॉडी का मूवमेंट लाओगे, इसलिए हम बार और डंबल्स कर्ल्स नहीं करेंगे, केबल पे कर्ल्स करेंगे हम, जैसे तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। और जब तुम वेट को अपनी तरफ खींचो, मतलब रैप मारो अपना, तो तुम्हें होल्ड करना है, ब्रीथ इन करना है और अच्छे से होल्ड करना है को टाइट करके। और जब तुम बार को नीचे लाओ स्लो डाउन, तो तुम अपनी ब्रीथ आउट करना। तुम ज़्यादा से ज़्यादा इसके चार सेट करना, कम से कम तीन भी बहुत है, तीन सेट ऐसे 15-10 रेपिटेशन के बीच में तो वो इनफ है तुम्हारे बाइसेप के लिए। गाइस, ये कर्ल्स करते हैं तुम्हारे बाइसेप के दो मसल होते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग एंड। तो ये कर्ल्स जब हम करेंगे तो हमारे दोनों मसल्स टारगेट होंगे, शॉर्ट और लॉन्ग। और गाइस, हम हर सेट के बीच में एक मिनट या 1.5 मिनट का, हाफ आवर बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट या दो मिनट का रेस्ट लेना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, वरना तुम्हारा वो मज़ा नहीं आएगा, तुम्हें ना अच्छे से पम्प फील होगा। और तो भाई सब की हमारी सेकंड एक्सरसाइज है हैमर कर्ल्स, पर वो भी हम खड़े होके नहीं करेंगे, जैसे अगर तुम बिगिनर्स हो तो खड़े होके नहीं करेंगे हम हैमर कर्ल, हम चेयर पे बैठ के या किसी बेंच पे बैठ के बैक स्पोर्टेड हैमर कर्ल्स करेंगे, जैसे तुम वीडियो में देख सकते हो, क्योंकि खड़े होके करेंगे तो उससे भी अगर तुम बिगिनर्स हो तो तुम चीट कर सकते हो उसको भी, कि पूरा बॉडी के मूवमेंट के साथ या फिर एल्बो तुम्हारी हो रही है। और तुम अगर चेयर पे बैठ के करोगे तो तुम्हारा ऐसे, जैसे तुम वीडियो में देख सकते हो, पोस्चर तुम्हारा एक्यूरेट रहेगा। इसमें भी तुम्हें चेस्ट अप रखनी है, शोल्डर रिट्रैक्ट और ऑल द वे अप एंड डाउन, पूरे फील के साथ करना, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ करनी है तुम्हें हर एक्सरसाइज परफॉर्म, ताकि तुम्हें अच्छे से अच्छा कॉन्ट्रैक्ट फील हो अपने बाइसेप्स पे, जैसे कि तुम वीडियो में देख सकते हो सब कुछ। इसके भी तुम तीन सेट ही करना, 12-10 रेपिटेशन के बीच में, और वेट अपने अकॉर्डिंगली ले लेना जैसे तुम्हें अच्छा लगे, जितना तुम उठा सकते हो। न्यूट्रल ग्रिप होती है हमारे कर्ल का, एक तो और हमारे बाइसेप और ट्राइसेप के बीच में एक मसल होता है ब्रैकियालिस, तो उसको ट्रेन करता है ये हमारे कर्ल, तो हम ये करेंगे। माय थर्ड एक्सरसाइज है इंक्लाइन बेंच पे कर्ल्स, इंक्लाइन कर्ल्स। तुम वार्म अप कर लेना इसके पहले, अगर तुमने की नहीं है एक्सरसाइज तो थोड़ा लाइट, बहुत ही लाइट वेट से वार्म अप कर लेना, इसका पता लग जाएगा तुम्हें कि कैसे होता है कितना, और इसमें वेट कम से कम ही लेना क्योंकि ये डिफरेंट एंगल पे हमारे बाइसेप को टारगेट करती है और ये काफ़ी डिफरेंट है, और हम सारे डिफरेंट एंगल टारगेट क्यों करें क्योंकि कर्ल्स तो सेम ही है, सब जगह कर्ल्स ही करना है हमको, हैमर कर्ल्स, केबल पे कर्ल्स, इस पे इंक्लाइन बेंच पे कर्ल्स, तो इसलिए कर रहे हैं हम डिफरेंट एंगल पे टारगेट, क्योंकि सारा हमारा भाई सब छोटा मसल है तो सारा ओवरऑल टारगेट हो जाए इसीलिए। और इसके भी तुम फोर्स एक सेट वार्म कर लेना और तीन वर्किंग सेट कर लेना इसके भी, और वेट कम लेना, और तुम्हारे चेस्ट से भी छे आएगा तुम्हारे आर्म्स, और फिर ऑल द वे अप अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना और स्लो डाउन नीचे, तुम्हारे लॉन्ग हेड पे ये टारगेट करेगी तो तुम्हारा अच्छे से बाइसेप ट्रेन होगा। और ये करनी चाहिए तुम्हें लास्ट एक्सरसाइज हमारी कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स, जो कि तुम्हें उसी को लगानी है जो एक दिन में सिर्फ बाइसेप कर रहा है, सिर्फ उसी को लगानी है ये फोर्थ एक्सरसाइज भी। अगर कोई बाइसेप या ट्राइसेप कर रहा है या फिर बैक के साथ बाइसेप कर रहा है तो वो तीन तक ही लगाएं, सिर्फ इंक्लाइन बेंच तक ही अगर बिगनर्स हो तो। इसके भी तुम तीन सेट ही करना, बाइसेप छोटा मसल है तो इसको ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, और
तुम दो बार कर सकते हो इसको वीक में ट्रेन, अगर तुम ओवर ट्रेन करोगे तो फिर वही ना ग्रो नहीं होगा, या फिर तुम वीक में एक बार ट्रेन करोगे और फिर कर ही नहीं रहे हो तो भी कम ग्रोथ होगी। तो इसलिए तुम वीक में इसको दो बार ट्रेन करना, कंसंट्रेशन कर्ल करनी है, जैसे कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो अपनी, इसको मैं ज़्यादा करता नहीं, ऊपर अगर तुम ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, फोर्थ एक्सरसाइज ये भी। तो इसके भी तीन सेट करेंगे 12 से 10 रेपिटेशन के बीच में, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करके मसल्स को और पूरा नीचे जान देना। तो गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप तुम्हें थोड़ी सी हेल्प मिली होगी बिगिनर्स के लिए भाई सब में क्या करना चाहिए। लोग काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं, कई भाई सब में पूरा बॉडी का मूवमेंट ले जाते हैं, वो उससे अच्छा फील नहीं होता। अब मत बोलना कि वो प्रो बॉडी बिल्डर्स भी तो करते हैं, वो प्रो बॉडी बिल्डर्स यार, उनको कितना टाइम हो गया जाते जाते, तो बॉडी के मूवमेंट के साथ भी करें तो वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं मसल्स को। अगर हम करें तो फिर वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती मसल्स की और हमको मसल्स पे फील नहीं होता जो मसल हम कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम बिना मूवमेंट के करेंगे जहाँ हमें सिर्फ बाइसेप पे ही फील हो सारी चीज़ें। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप तुम्हें थोड़ी सी हेल्प मिली होगी बिजनेस के लिए क्या करना चाहिए बाइसेप ग्रो करने के लिए एक्सरसाइजें। तो बाकी वीडियोस अगर तुम्हें देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें बाकी वीडियोस मिल जाएगी, आप तुम्हें चैनल पे चेक कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ तुमसे जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मैं जिम जाता हूँ, मैं जिम नहीं हूँ।